टूर्नामेंट मंडरेला सर्च करेंगे तो लाइव स्कोरिंग आप देख सकते हो। और पहला ओवर लेके आ रहे हैं कार्तिक जाधव, इस टाइप के है आशु सिंगल और नए सिंगल। सेकंड राम सर की पूरा छाया हो गया पाउडर। और जितने भी अन्य खिलाड़ी हैं ना बड़े ना दिखाओ कौन सही रोड़ा रंगा ना करे। पहला ओवर कार्तिक जांगड़ लेकर आ रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, टीम का पहला ओवर और अपने खाते का पहला छतरी शानदार बॉलिंग डाली थी इसने। अभी सामना करेंगे आशीष सिंगल खेली उल्टी विवेक में छतरी बढ़िया वाला गाड़ी और पहला इसे और फिर से उठाकर मारा बॉल बाउंड्री के बाहर है तो 6 रन। आशीष के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा रन रह गया और ये यार दूसरी बाउंड्री साथी खिलाड़ी साथी कमेंटर जोंटी थेली, ये थेली है। अभी कुछ मैच के बारे में आपको ये बताएंगे जोंटी थेली। धन्यवाद विजय सिंगल और इस टाइप पर आशीष कार्तिक के बॉल आशीष के लिए सिंगल एक रन मिलेगा। सुबह छतरी होगी खड़ी करना फिर कार्तिक अपने रनअप पे मैच के लिए बॉल दो बॉल दूसरा मुकाबला चल रहा है। फिर चले गेंदबाज अपने रन अप पर मैच के लिए व्हाइट बॉल बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। फिर अपने रन पर मैच के लिए मैच ने उठा के खेला और इसी मैच में फील्ड 4 रन अच्छे 4 रन अच्छी फील्डिंग का मुजारा देखने को मिला। चाटी देख ले कम से कम लाकिर बनना है बढ़ता हुआ 16 रन कार्तिक अपने धीरे धीरे मैच के लिए उठा के मारा शॉट 6 रन एक और की समाप्ति 30 रन स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एक और 23 रन स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान पर।
मैचों का वो सेमीफाइनल होगा, इन दोनों टीमों में से जो टीम विजेता रहेगी। अशोक गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, ये बॉल आशीष के लिए उठा के मारा है, बताओ नहीं कोई रन नहीं। जो हमारे यहाँ दर्शक है वो बॉल नहीं पहुंचा रहे हैं, बड़े तो दी बॉल आ गई है। फिर चले अशोक अपने रन पर, आशीष के लिए बॉल है, पटकी हो गया, रिसीव नहीं, डॉट बॉल आउट, अंपायर का इशारा आउट होंगे, बहुत बड़े मछले जाल में फंसी हुई, बड़े समय से लंबे छक्के लगा रहे थे इस मैच में आशीष राजा और रजू। ये जर्मनी मछली है, जाने जाती है, विदेशी मछली होती है जो फिर अशोक अपने रहने पर आलम धीरे धीरे अंपायर को पार किया, ये गेंद राजू के लिए और इसी में छह रन, मैच बन चुका। तो क्या खेला है दो गुड़ों से जाता हुआ, क्या खेला बताए रहे स्कोर 29 रन जा पहुंचा है, दूसरा ओवर प्रगति पर राजू के लिए बॉल है और कोई रन नहीं मिलेगा इसी बीच डॉट बॉल, तो हमारा जो लाइव है उसमें काफी दिक्कतें आ रही है, नेट में प्रॉब्लम हो चुकी है। अशोक अपने रन अप पे प्रारंभ धीरे धीरे पार को पार करते हुए राजू के लिए बॉल आउट, और बॉल जिले भी छेड़ दिए हैं अपने डॉगर आउट में आए यहाँ बैठे आरते बुटा बुटा सरम को नहीं एक टीम होगा सड़ा नहीं बल्लेबाज अरविंद स्ट्राइक पर है। अशोक अपने रन अप से प्रारंभ में धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए इसमें अरविंद के लिए बॉल है डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति आउट है, दो ओवर दो विकेट के नुकसान पर 29 रन, चार ओवर और बाकी है, आउट हो बोलना चाहिए था ना, जोर से कहते तो आउट है कहते तो माजे तो रहे सिद्धू नए गेंदबाज सिद्धू आए इस टाइप पे मैच होंगे आउट, तीसरा ओवर प्रगति पर है, 29 रन दो विकेट अभी भी 8 विकेट हाथ में, सिद्धू अपने रन अप से अंपायर को पार किया धीरे धीरे बॉल मैच के लिए वाइड बॉल बढ़ता है स्कोर 30 रन, और तब्बू में कोई काका भतीजा नहीं होता भैया, आमने सामने हो या ना हो अपने ईमानदारी से खेले क्रिकेट को, और इसी में उठा के मारा है फिर वो एक रन मिलेगा वहां, फिर स्टार्ट पर अरविंद अभी भी आने वाले बल्लेबाजों की वो है वो बौछार लगी हुई पीछे आउट है, आउट है, चलो आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, अंपायर का इशारा आउट अरविंद, और तांगड़े कट दिया ग्रुप तीसरा विकेट जाता हुआ आशीष की टीम का है, बोलो वो गलत बोलो वो गिनती तो कनेडी बड़ी गए अब विक्रम आ चुके हैं, पुट्टा भाई अरे पुट्टा पुट्टा सगड़ा हो गया हमारे सिद्धू चले अपने रन अप पर धीरे धीरे अंपायर को पार के बॉल विक्रम के लिए और अच्छी फील्डिंग मार बिंद्रे के एक ही रन मिलेगा, फिर चले सिद्धू अपने रन अप से अंपायर को पार किया धीरे धीरे मैच के लिए एक रन पूरा किया आसानी से, दूसरे रन के चक्कर में
अनेक ऐसे से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस टाइप को विक्रम आते सिद्धू जी को विक्रम के लिए उठा के मारा शॉट को फील्डर नीचे कार्तिक वही और अच्छी फील्डिंग। चौथा भी कितना पतन होता हुआ यहाँ आशीष की टीम का। कप्तान आशीष है उनकी चल नहीं रही इस मैच में है। सरपंच और राजकुमार है वो बैठे हुए हैं। सरपंच राजकुमार भूतपूर्व सरपंच पता नहीं क्या चाहते हैं। ये गेंद सिद्धू की जुआरे के लिए और ये जुआरे का शॉट और ये बहुत शानदार शॉट चौका चौका कोनी चौका कोनी भाई फील्डर ही है फील्डर हटाओ नहीं वहां से। 3 ओवर 34 रन 4 विकेट तीन ओवर 34 रन 4 विकेट ये अशोक डिमाने गेंद और ये जुहारा द्वारा हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश लग नहीं पाया बदकिस्मती ये अशोक द्वारा आउट आउट है ना ना आउट है बन्ने आउट है यहाँ कहाँ कहाँ दिखा सुन रहा हो ये सुन सुनो ने और ये मेरे यार आया क्या आउट है गेंदबाज जो अशोक है वो एक रनों के लिए दर्शा दिया बल्लेबाजों को संघर्ष कर रहे हैं बल्लेबाज कहीं ना कहीं छक्के चौके लगाने के चक्कर में अंपायर को पार किया अशोक की बॉल खुद आउट बॉल तेज गेंदबाज है लंबे कद के बल्ले तीन बॉल अशोक चले अपने रन अप पर है के लिए विकेट आ चुका है। 5वें विकेट का पतन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान हो चुके हैं। अब आया पर वो सिंगल तो 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति में है। 34 रन 5 विकेट है चले अशोक प्रमोद के लिए बॉल है और के लिए भी काट दिए छठा विकेट का पता है 34 रन के स्कोर पर है। ये जो खिलाड़ी है भैया ऐसे नहीं करे मैदान में कप्तान है वो विरोध स्ट्राइक पर है अशोक ये बोल नॉट बॉल ये फुटबॉल जो प्लेयर है ये नहीं चलेंगे यहाँ जो बच्चों का क्रिकेट है मेडिन ओवर 2 विकेट है इस ओवर में लिए अशोक ने 4 ओवर 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर है। अभी भी 2 ओवर शेष 5 ओवर प्रगति बस नेगेलबा सिद्धू मैच के लिए बॉल पटकी बॉल डॉट बॉल आमने सामने चाचा भतीजा सिद्धू अपने रहने पर पार किया मैच के लिए बॉल
कोई रन नहीं, डॉट बॉल, पांच ओवर प्रगति में 34 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर है वो काफी देर से 34 रन पर रुका हुआ है। ये बॉल डेड बॉल होगी, सिद्धू चले और फिर एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे, बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। इस टाइप पर विनोद सिद्धू अंपायर को पार करते हुए धीरे धीरे, ये बॉल विनोद के लिए और ये मारा 6 रन के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 41, 41 रन हो चुके 6 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर प्रगति पर है, ये बॉल सिद्धू की विनोद के लिए, एक ये मारा फील्डर मारा है, इस फील्ड 4 रन नोर, बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 42। अंतिम बॉल पांचवा ओवर की और कोई रन नहीं, पांच ओवर समाप्त, 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर है, बचा हुआ एक ओवर है। पांच ओवर हुए, अंतिम ओवर जो करेंगे वो दीपक नवानिया करेंगे। पैंतालीस रन स्कोर, एक बार रोके ले अंपायर बोल दो, यार ये सही है जो खेल है वो खेल के भावना से खेले भैया, सीनियर है जो वो नहीं बॉल फेंक सकेंगे इस मैच में। कार्तिक अंपायर को पार करते हुए धीरे धीरे मैच के लिए बॉल और 6 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन है, 50 रन पूरे होते हुए क्या स्कोर, अभी भी 6 विकेट के नुकसान पर है। अंतिम ओवर है और एक हो सका लगातार देखते हुए दो सकते हैं, चार घंटे अभी भी बाकी है मैच के बाद। तीसरा गेंद कार्तिकीय बोल खिलाड़ी वो ग्राउंड से बाहर है, कार्तिक चले अपने लेने पर है मैच के लिए बोल और बेट बोल वो हटिक लगाते थे 21 रुपए नाम मिलते हैं उनको, 25 रन के स्कोर पे खेल रहे महेश। कार्तिक के बॉल में इसके लिए पटकी बॉल वाइड बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। कार्तिक चले अपने रन पर है महेश के लिए ये बॉल और एक और छक्का, एक पूरे 3 छक्के हैं, इसको 64 रन जा पहुंचा है। कार्तिक अपने रन पर प्रारंभ, फील्ड रिप्लेस 64 रन स्कोर हो चुका है। कार्तिक अपने रन पर मैच के लिए बोल और इसी में 6 रन बहुत हो सका 70 रन स्कोर जाकर होता है 70 रन।
एक ओवर में चार छक्के लगातार लगा चुके हैं। फिर काटते चले अपने रन अप पर है इसके लिए ओवर की समाप्ति 70 रन बनाए 6 ओवर की समाप्ति पर है 6 विकेट के नुकसान पर। इकहत्तर रनों का टारगेट रखा है अशोक की टीम के लिए। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। इसके बाद जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा इन दो दोनों टीमों में से जो विजेता रहेगी। बड़ा पार जैसा लक्ष्य खड़े किया इस मैच में है। पानी की व्यवस्था कराई जाए खिलाड़ियों के लिए। मोबाइल में तो ला रहा हूँ, कोई सिस्टम हो रही है मैच। मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कप्तान जो महेश है अपने फील्ड है तो भाई सब अपने फील्डिंग सजाए हुए जल्द से जल्द। इसके बाद में चार मुकाबले हुए बाकी रहे हैं हमें करवाने हैं आज। आज के तो हमारे पास ये समय था टूर्नामेंट किया। स्टार्ट पर दीपक होंगे, नॉन स्टार्ट पर नीतीश धाड़ा। तो उन्दा बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं नीतीश धाड़ा। बड़े समय के बाद इनको मौका मिला इस टीम में खेलने के लिए। जल्द से जल्द अपने फील्डिंग से जाए। इसके बाद चार मुकाबले और कराने वाले हैं। जल्द से जल्द अपने फील्डिंग को सजाई जाए। बैट्समैन करीब पर आ चुके हैं। एक फील्डर को एक्स्ट्रा भैया फील्डिंग कर ले। गेंदबाज नाम राजू अनिलकर करेंगे बोल। अब फायर है वो जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करवा भैया। जीत के लिए 71 रनों की जरूरत है 36 गेंदों में। पैसा से फील्डिंग से जाए। इसके बाद में चार मुकाबले और होने वाले बाकी है। कौन चालू पड़ना और ने बुला पड़ना क्या तो चलते धीरे धीरे। दो बॉल एक रन आसानी से पूरा किया। दो रन स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर नीतीश राणा
रेट मिलेंगे बल्लेबाज नीतीश राणा को। और अंपायर का कार्ड किया राजू ने, एक गेंद नीतीश राणा के लिए उठा के खेला और रन आउट का मौका, और ये तो रन आउट नीतीश राणा को, जीरो के स्कोर पर वापस आना होगा। अपने टीम के लिए कोई सहयोग नहीं दे चुके, उनका बल्लेबाजी करते नीतीश राणा की जो बल्लेबाजी है वो राजस्थान की जो क्रिकेट में है वो जानी जाती है। एक कप्तान अशोक आए हैं, राजू का सामना अशोक करेंगे, चलते हुए अंपायर का पार किया ये बॉल और उठा के खेला हुआ अशोक, चार रन। ये तो बीच में एक्स्ट्रा खिलाड़ियों नहीं बोले भैया, दर्शन बाहर होते हैं ग्राउंड से, बढ़ता है स्कोर छह रन। अंपायर जो देगा वो निर्णय मान्य होगा। राजू पहले अशोक के लिए ये बॉल, राजू की अंपायर को मार किया धीरे धीरे, अच्छा सामान दिया बॉल को और एक रन आसानी से पूरा कर लिया, बढ़ता हुआ स्कोर सात रन। एक विकेट के नुकसान पर सात रन, पहला गति पर राजू चले अजूपर के लिए बॉल, कटका हुआ गेंद वाइड बॉल, आठ रन स्कोर। राजू चले दीपक के लिए ये बॉल, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद उठा के मारा बाउंड्री, चार रन स्कोर, बारह रन एक विकेट के नुकसान पर चार बॉल। ठीक है देखो, राजू के बॉल दीपक के लिए, स्ट्राइक पे दीपक है और फिर उठा के मारा गेंद को छह रन के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर अठारह रन पांच बॉल एक विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर के तुरंत। अगर ये मुकाबला जीतना है तो उसी तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। राजू के लिए दीपक के लिए ये बॉल, वाइड बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर उन्नीस रन। राजू के लिए दीपक के लिए ये बॉल, पटकी बॉल, अच्छी बॉल, गुड बॉल, ओवर समाप्त 19 रन एक ओवर एक विकेट के नुकसान पर। तो नीतीश राणा हमारे ओपनर बल्लेबाज थे वो काफी निराश अपने बल्लेबाजी से है, अगर चल जाते हैं तो चार ओवर का उनका खेल था, ये लंबे लंबे गाठर मारने में जाने जाते हैं नीतीश राणा भी कम नहीं है। सुधीर आते हुए नए गेंदबाज, काफी समय के बाद वापसी हुई है उनकी भी, अशोक के लिए ये चले सुधीर अंपायर को पार करते हुए, अशोक के लिए बॉल, अच्छा सामान दिया बॉल बॉल, सुधीर चले अशोक के लिए बॉल उठा के नहीं पहुंची बॉल बॉल, हम उसको उनके सन पर रुका हुआ है विकेट के नुकसान पर। अभी भी 52 रनों की जरूरत इस मैच में है, चले अशोक के लिए बॉल वाइड बॉल स्कोर 20 रन जहां पहुंचा है एक विकेट के नुकसान पर। सुधीर ये चले धीरे धीरे अंपायर को पार किया अशोक के लिए, फिर वाइड बॉल
काफी समय के बाद खेलने का मौका मिला सुधीर को। ये चला पार को पार किया अशोक के लिए, अच्छी गेंदबाजी, नीचे रहती हुई बैट बॉल। सुधीर के बॉल है अशोक के लिए, पटकी हो गया, उठा के मारा है, फिर दबाव है और के बोल छह रन। आने वाला समय बताएगा कि आज कितना महंगा पड़ेगा मैं इसकी टीम को। इसको 27 रन, ये वो अशोक के लिए उठा के खेला है, फिर तुम्हारे वहां एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर 28 रन, 25 गेंदों में 43 रनों की ओवर जरूरत है यहाँ। ये चले सुधीर अपने रन पर, लंबा छक्का 6 रन, ओवर समाप्त। इसको 34 रन दो ओवर है, टूर्नामेंट अब 12 की चोट में 17 के लेके चल रहे हैं बल्लेबाज। गेंदबाज महेश 30 ओवर लेके आएंगे अपनी टीम के लिए, अपने कोटे का पहला ओवर, एक विकेट के नुकसान पर 34 रन दो ओवर समाप्त। तीसरा ओवर पंडित पर है, विकेट के ऊपर एरिया है, महेश के ओवर अशोक के लिए, वो अच्छी गेंद नीचे रुकी हुई गेंद। फिर चले महेश अशोक के लिए बॉल और रद्द बॉल, रद्द बॉल हो चुकी है। यस के बॉल अशोक के लिए, पटके गेंद वो नीचे रुकी गेंद, नॉट बॉल। स्कोर 34 रन अभी भी और कोई रन नहीं। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है, 9 विकेट और शेष है। ये बॉल अशोक के लिए उठा के मारा है, फील्डर को धोनी नीचे और मिस फील्ड, इसका धागा था, लग रहा है 4 रन। बढ़ता है स्कोर 38 रन। अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है यहाँ छक्के 100 रुपए मिलेंगे पूर्व सरपंच राजकुमार की तरफ से। एक और छोटा स्कोर 42 रन, जो महेश की गेंद में मिलेंगे जो छक्के लगेंगे उन पर 100 रुपए पूर्व सरपंच राजकुमार की तरफ से। अगर किसी भी बल्लेबाज को अगर ये मौका जीता है तो छक्के लगाए, बड़ा वो पर है। थोड़ा भाग के खेला कोई, ये कोई रन नहीं होगा भैया, कोई रन नहीं मिलेगा। तीन ओवर 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर। उल्टीस रनों के और जरूरत है, 3 ओवर में 18 गेंदे 29 रन, 29 एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर सुधीर लेके अपनी टीम का, अपने कोटे का दूसरा ओवर है, इस टाइप के बोता के देख रहा होगा क्या करते हैं अपनी टीम के लिए बोता के। अच्छा सामान दिया वही प्लेट, 17 गेंदे 29 रन, अभी भी 9 विकेट हाथ में है।
बड़ा बाजू हो रहा है, खड़ा दुख लगा हो रहा है, खड़ा खड़ा इसके बाद।